नमस्कार, एक वीडियो लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं। और ये हमारी ऑस्कर कंपनी की टीवी है जिसमें एच लाइन आ रही है, और इस फॉल्ट को हम ठीक करना बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि ये किस सेक्शन का फॉल्ट है। ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, और इसको चेक करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताएंगे कि इस तरह के फॉल्ट को किस तरह से दूर किया जाता है। तो सबसे पहले हम टीवी को खोल लिए हैं, और टीवी को खोलने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से ठीक किया जाता है। और ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट होता है जिसमें एक 78040 नंबर की आईसी लगी हुई होती है। ये कभी कभी ख़राब हो जाती है तो भी इस तरह का फॉल्ट आता है, और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं तो इस तरह के फॉल्ट आते हैं, और यदि सप्लाई नहीं आती है तब भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं। और जब ये कभी कभी वर्टिकल सेक्शन पूरा हमारा ठीक होता है उसके बाद भी ये एच लाइन आती है। तो हर फॉल्ट के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि, और आईसी हमारी जो 7840 लगी हुई है हम उसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सप्लाई चेक करेंगे, जो कि हमारी सप्लाई पूरी तरह से देखिए ओके है। ये हमारी रेगुलेटर की सप्लाई है 12 वोल्ट, और ये 16 वोल्ट ये हमारी ऑडियो सेक्शन के दी गई है। तो हमारी सप्लाई पूरी तरह से सही है, और जैसे कि ये 25 वोल्ट सप्लाई जो है ये वर्टिकल सेक्शन को दी जाती है आईसी 78040 पर, जिसमें 6 नंबर पिन पर ये 25 वोल्ट सप्लाई जाती है, और एक डायोड के माध्यम से आईसी के पिन नंबर 2 पर भी यही सप्लाई दी जाती है, जिससे हमारी वर्टिकल आईसी काम करती है। यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता है 1 ओम का, और यहाँ से हमारे आईसी के 6 नंबर पिन पर 24 वोल्ट 25 वोल्ट या 26 वोल्ट सप्लाई आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सप्लाई हमारी पूरी तरह से ठीक है, 25 वोल्ट इस पर दोनों पिन पर आ रहे हैं, 24 वोल्ट पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 पर। बाकी पिनों पर भी हमारी सप्लाई हम चेक कर ले रहे हैं कि क्या है। तो हम इसमें देखेंगे कि आज कैसे जाने कि आईसी हमारी ख़राब है या आईसी हमारी सही है। यदि आईसी हमारी सही है तो फॉल्ट किस सेक्शन से आता है, या आईसी के बाकी पिनों का वोल्टेज है जो कि पूरी तरह से ठीक है, और जो आउटपुट इसमें होता है वो हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ कि 12-13 वोल्ट आना चाहिए लेकिन 21 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो इसमें और जितने पिने हैं सब की सप्लाई बराबर है, और अब हमें ये जानना है कि ये आईसी ख़राब है या सही है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक नया तरीका बताएंगे। वैसे तो इसको चेक करने के लिए आप इसको चेंज कर देंगे, नई लगा देंगे तो भी पता चल सकता है, लेकिन जब ऐसे ही पता लग जाए ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है जो कि पूरी तरह से ठीक है, सारी सप्लाइयाँ आ रही हैं, और जो मेन आईसी से सिग्नल आते हैं आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आईसी हमारी सही है या ख़राब है। तो देखिए, हमने टीवी को ऑन करके रखा हुआ है और यह चलाइन अभी भी आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए आप किसी उंगली या अंगूठे को थोड़ा गीला कर लें पानी से, और उसी आईसी के ऊपर ऐसे रखें। देखिए, तो यदि आईसी सही होगी तो ये ऊपर नीचे इसमें पिक्चर फैल जाएगी। देखिए, हमने ऐसे कर रहे हैं और ये पिक्चर फैल रही है, तो इसमें शॉर्ट होने का कोई डर नहीं है, ना तो इसमें करंट लगने का डर है। तो जब ऐसे आप हाथ को भिगो करके किसी उंगली को उस आईसी पर चलाएंगे इस पर, तो पिक्चर हमारी बढ़ेगी। यदि अगर हमारी पिक्चर बढ़ रही है तो ये समझना चाहिए कि हमारी आईसी पूरी तरह से ठीक है, आईसी ख़राब नहीं है। यदि आईसी ख़राब होती तो बराबर जो एच लाइन आ रही है वो एच लाइन ही होती, और उसमें ज़रा सा भी
कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारी मेन प्रोसेसर आईसी है जिसमें 16 नंबर पिन पर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए जिससे कि हमारा वर्टिकल सेक्शन पूरी तरह से काम करता है। तो यहाँ 16 नंबर पिन और 17 नंबर पिन पे 8 वोल्ट सप्लाई आती है जो कि हमारी 7.8 सप्लाई आ रही है, और ये 16 नंबर पिन है हम उस पर भी देखते हैं कि हमारी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो 16 नंबर पिन पर हम चेक कर रहे हैं तो इसमें 3.3 वोल्ट दिखा रहा है जो कि यहाँ लगभग 5 वोल्ट दिखाना चाहिए, और ये सप्लाई हमारी कम आ रही है। तो उसके बाद ट्यूनर पर चेक करिए, 5 वोल्ट ट्यूनर पर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, और ट्यूनर पर यदि 5 वोल्ट नहीं मिलता है तो उसको देखेंगे कहाँ से फॉल्ट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्यूनर पर हमारे 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है, 4.9 वोल्ट सप्लाई आ रही है, और यही ट्यूनर वाली सप्लाई हमारे मेन प्रोसेसर आईसी के पिन नंबर 47 पर भी 5 वोल्ट सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। यदि ये सप्लाई हमारी मेन प्रोसेसर आईसी पर यदि वो पिन नंबर 47 पर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलती है तो इस कारण से भी ये लाइन प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ ऊपर से आप गिनना शुरू करें और यहाँ 47 पिन पे आएंगे तो ये हमारी 47 नंबर पिन है जहाँ की कोई सप्लाई हमें नहीं मिल रही है। हम फिर से आपको चेक करके दिखाते हैं और इस पर कोई सप्लाई नहीं आ रही है। पिन नंबर 47 ये हमारी 88 73 और 73 88 73 की जो आईसी होती है इसमें 47 पिन पर ये यहाँ एक कॉइल लगी हुई है जिसका नंबर है L202 जिससे सप्लाई दी जाती है, और ये कॉइल के इनपुट पॉइंट पर हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है और लेकिन आउटपुट पिन पर कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ये हमारा कॉइल ख़राब हो सकता है या हमारी आईसी शॉर्ट हो सकती है। तो इसको जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 47 ये 47 नंबर पिन पर कोई सप्लाई नहीं आ रही है। नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी 47 नंबर पिन है जिस पर कोई सप्लाई हमें नहीं मिल रही है। तो इस सप्लाई जब यहाँ सप्लाई मिलेगी तो ये जो मेन प्रोसेसर आईसी में वर्टिकल सेक्शन की पल्स जाती है तभी वो जनरेट होगी पल्स, और जब वो पल्स जनरेट होगी और हमारे वर्टिकल सेक्शन को सिग्नल देगी तब हमारा वर्टिकल सेक्शन पूरी तरह से काम करेगा। तो जब भी आपके पास ऐसा फॉल्ट मिले तो आप आईसी को कंफर्म कर लें, उसके बाद ये सप्लाइयाँ आपको चेक करनी होगी। तो ये जो यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई है जो 1 ओम की कॉइल होती है ये कट जाती है या ओपन हो जाती है जिसके कारण से यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल पाती है और हमारी मेन प्रोसेसर आईसी ठीक तरह से वर्टिकल सेक्शन को पल्स नहीं भेज पाती जिसके कारण से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो ये हमारी जो हरी हरी कॉइल लगी हुई है ये हमारी कॉइल ख़राब हो सकती है। तो इसको हम चेंज करेंगे। जब तक हम इसको चेंज करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब किए हों तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जल्दी से हमारे चैनल पर जा करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। तो एक कॉइल को निकालने के बाद इसमें ये हमारी कॉइल है इसको हम चेक नहीं करेंगे, हम सीधा इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे और वो हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी होता है और पूरी तरह से काम करेगा। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यदि हमारी आईसी शॉर्ट होगी तो ये सप्लाई बैठ जाएगी, ये ड्रॉप हो जाएगी, और आईसी हमारी सही है केवल यही कॉइल ख़राब है। कॉइल को हम चेक भी कर सकते हैं मीटर से लेकिन हम चेक नहीं करेंगे, हम उतनी देर में हम दूसरा नया लगा करके चेक कर लेंगे कि हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं होता है। तो कभी कभी आप मीटर से चेक करेंगे तो वो
उसमें बराबर उसका ओम्स रेजिस्टेंस दिखाएगा, लेकिन वो सप्लाई पास नहीं करता, जिसके लिए हम बहुत कम ही कंपोनेंट्स को चेक करते हैं और सीधा नया लगा देते हैं। नया लगाने से एक फ़ायदा यह होता है कि आप तुरंत कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा फॉल्ट दूर होता है या नहीं होता है, और आपको कोई शंका भी नहीं रह जाती है कि हमारा पार्ट ख़राब है या अच्छा है। अब नया हम लगा दिए तुरंत, और यदि आपके पास ये रेजिस्टेंस उपलब्ध ना हो तो आप इसमें कोई पतला सा तार भी जोड़ के चेक कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। केवल सप्लाई को पास करने के लिए फ्यूज जैसा कॉइल होता है, इसीलिए उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हमने रेजिस्टेंस को लगा लिया है और हम सप्लाई चेक करके आपको दिखाते हैं कि हमारी सप्लाई बराबर आई या नहीं आई। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा इनपुट पॉइंट है, ये हमारा आई के का 8 वोल्ट सप्लाई है, उसके ऊपर 5 वोल्ट की ये सप्लाई है, और ये 5 वोल्ट सप्लाई हमारी यहाँ पर आ गई है। और अब इसके बाद हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी आई के वोल्ट है जो 8 वोल्ट जाता है आई के को, और ये हमारी 5 वोल्ट सप्लाई है जो 4.9, और ये आउटपुट पिन है रेजिस्टेंस की या फ्यूज की, और ये हमारे मेन प्रोसेसर आईसी के 47 नंबर पिन, 47 नंबर पिन को ये सप्लाई जाती है, जो कि अब सप्लाई यहाँ पर पूरी तरह से मिल रही है। और अब ये जो हमारे 16 नंबर पिन पर 3 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ भी हमें 4.6 वोल्ट सप्लाई आ गई है। अब हमारा ये वर्टिकल सेक्शन पूरी तरह से काम करने लगेगा। अब हम स्क्रीन की तरफ आपको ले चलते हैं, देखते हैं हमारा फॉल्ट दूर हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा फॉल्ट पूरी तरह से दूर हो चुका है, देखिए पूरी स्क्रीन आ गई है।